ये चरखे रखे गए हैं, ये हमारे हिस्ट्री को बताते हैं, हमारे पहले के जवानों का टाइम बताते हैं, इन ये चीज़ें अब इस टाइम में देखने को नहीं मिलती हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आ चुका हूँ गाइज मैं एक और नए ब्लॉग के साथ, और मैं आया जाऊँगा फिर किसी लोकेशन पे जो कि है एक बहुत ही अच्छा और चरखा म्यूजियम और दिल्ली में भी स्थित है, और ये मेरी तीसरी लोकेशन है और लास्ट लोकेशन है, और ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आप लोगों का चरखा म्यूजियम जरूर आना, अंदर से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कराऊँगा और बताऊँगा इसके बारे में, चरखा म्यूजियम के बारे में। यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक चरखाएँ रखी गई हैं जो कि गांधी जी के ज़माने से हैं, गांधी जी के टाइम से हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी पुराने वर्ल्ड टाइम की चरखाएँ रखी गई हैं यार, और यहाँ पे गांधी जी के चरखा जो कि आप देख सकते हो एलईडी के अंदर, और जो सारे बहुत ही पहले की चरखाएँ रखी हैं, बहुत ही पहले पुराने जमाने की चरखा, ये देख सकते हो सबसे पहली चरखा जो है ये रखी गई है हमारे सामने, और ये सबसे पहली चरखा थी हमारी। और ये हमारी दूसरी चरखा है जिसको अभी आप लोग नाम पढ़ सकते हो, और ये हमारी दूसरी चरखा है, और ऊपर देख सकते हो चरखा रखी गई है, ये देखो ये भी एक चरखा ही रखी गई है जो गांधी जी के तीन मंदिर थे यहाँ पे, उनके बारे में बताया गया, रखा गया है, दिखाया गया है, और ये गांधी जी के टाइम का है सब कुछ। ये फ़ोटो हम देख सकते हो, बहुत ही पुरानी फ़ोटो है, ये हमारे इतिहास को करती हैं और इतिहास को बताती हैं ये, और ये बहुत पुरानी पुरानी चरखाएँ यहाँ पर रखी हैं, और सारी चरखाएँ ही हैं जितनी भी पूरी चरखा ही है यहाँ पे। तो ये देखो ये भी एक चरखा ही है एक प्रकार का, और ये भी एक चरखा ही है, ये देखो सब पे गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, और सब पे सबके रह जिन्होंने जो से चरखा बनाई थी उनके नाम और कहाँ बनी थी उसके बारे में बताया गया और रखा गया है, और ऊपर भी देख सकते हैं सब चरखा ही रखा गया है, ये भी चरखा है जो कि बनाई गई चरखा। यार एक्चुअली बता दो लोगों को, चरखा जो है धागे की खिंचाई में और भी बहुत सारे काम होते थे जो चरखा से ही हो जाते थे पहले के काम, ज़्यादातर काम चरखा से ही होते थे पहले के। तो ये सब चरखाएँ भी दे रखे गए हैं, और ये हमारी इतिहास को बयां करती है। तो आप लोग देखो ये भी चरखा है एक, जो मतलब देख सकते हैं इनके बारे में बताया गया किसने बताया था, किसने मतलब इसका निर्माण किया था, किस काम में आया था, कहाँ पर निर्माण हुआ था, सब कुछ बताया गया है, और सारे चरखाएँ अलग अलग हैं, सबका काम अलग अलग था अपना अपना, और सब ने अलग अलग बनाया था, मतलब ये समझ लो देश आज़ाद होने से पहले से चरखाएँ बनाई गई हैं, और उस टाइम से उसकी जी हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले से चरखाएँ हमारे देश में हैं, उससे पहले से इसका निर्माण हो गया था चरखाओं का। तो ये देख सकते हो सारी चरखाएँ जितनी चरखाएँ आप लोग देख सकते हो मेरे सामने, ये सब चरखाओं का अलग अलग है, और ये देख रहे हो गांधी जी के तीन मंदिर, आपने सुना होगा, बुरा ना देखो बुरा ना सुनो बुरा ना बोलो, वो हैं ये तीनों। एंड इसका यार आप लोग अगर इस वर्ड का मतलब बातें जानो बहुत लंबी बात है, और ये भी चरखा देखो, ये चरखा मतलब देख रहे हो इसका आकार, सारे चरखाओं का आकार जितनी भी चरखाएँ हैं सारे का आकार अलग अलग है, सबका चरखा आकार अलग है, कौन सी चरखा कौन सबका आकार देख सकते हो, कोई दूसरी डिजाइन की डिजाइनिंग मतलब जितनी डिजाइन है सबकी डिजाइन अलग अलग है, किसी डिजाइन सेम नहीं है, और लेकिन सबका एक ही काम रहता है कि यानी कि अब सबका रस्सी खिंचाई गई काम का, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे काम थे धागे वागे के, ये सब काम होते थे चरखाओं से, और भी बहुत सारे काम होते थे जो कि मुझे पता नहीं आया, इतनी नॉलेज दी है चरखा के बारे में तो मैं आपको बता नहीं पा रहा है, पर नॉलेज है मैं उतनी आपको बता रहा हूँ। एंड ये देख सकते हो पूरा मतलब ये चरखा म्यूजियम है, बहुत छोटा सा म्यूजियम है लेकिन बहुत अच्छा म्यूजियम है, ये हमारे इतिहास को व्यतीत करता है, तो एक बार जरूर आओ आप लोग घूमने। मैं आप लोगों को मतलब ये बताना चाहता हूँ इन चरखों का मतलब प्रयोग इसलिए किया जाता है, कभी किताबों को बनाने के आर्किटेक्चर मतलब सबके आर्किटेक्चर बनाए गए, मान लो किसी गमले का, किसी किताब का, किसी गेंद का, किसी कपड़े सिलने के लिए इन चरखों का उपयोग किया जाता था, जो कि देश आज़ाद होने से पहले और देश आज़ाद होने के बाद बनाए गए थे, और ये मतलब हर जगह पर सब ने अलग अलग निर्माण किया था, सब ने अपना अपना अलग अलग निर्माण किया था। तो और ये सबसे पहले महात्मा गांधी जी के मतलब की वजह से चरखों का, ज़्यादातर लोग चरखों का अगर चरखों का किसी युवा में नाम आता है सबसे पहले नाम महात्मा गांधी जी का आता हमारे, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं आप लोगों को पता होगा। तो ये म्यूजियम बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार आकर के ज़रूर विजिट करना, चरखा म्यूजियम बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से छोटा सा म्यूजियम है बहुत बट लेकिन बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आकर के यहाँ पे। तो पर्सनली मैं अपना बताता हूँ ओपिनियन, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, यहाँ पर जो चरखे रखे गए हैं ये हमारे हिस्ट्री को बताते हैं, हमारे पहले के जवानों का टाइम बताते हैं, इन ये
चीज़ें अब इस टाइम में देखने को मिलती हैं, ये किसी हिस्टोरिकल पैलेस पे ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो पीछे से बाइक आती है ना अच्छे से साउंड की, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा ब्लॉग, और प्लीज़ अगर आप लोग आते हो तो एक बार आना ज़रूर। ये जो है ये करोड़ बाग के पास में ही है, आप लोगों को पता है। और चरखा म्यूजियम आप लोग देख लेना, चरखा म्यूजियम करोड़ बाग के पास में ही है। यहाँ आप लोग पता है एक बहुत ही फेमस मार्केट है, बट उसका भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ, इसलिए अभी नाम नहीं लूँगा उस मार्केट का। तो गाइस बस यही था आज के लिए यहाँ तक इस ब्लॉग में। और यार थोड़ा बहुत मैं आप लोग सोच रहे हो यार ये थोड़ा थोड़ा क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को अलग अलग तरीके से वीडियो करा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से भी सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आने में आसानी हो, आप लोग नॉर्मल तरीके से अंदर आ सके, सब जगह घूम कर जा सके। दिल्ली में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ मैंने इसलिए लिया था। मैं पूरा दिल्ली को आपको जो भी टूरिस्ट पैलेस है आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी ना जो मैं अगर मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। यह है चरखा म्यूजियम का पार्क, जो अभी तो फिलहाल में बंद पड़ा है। और इसके नीचे जो है इस पार्क है, और इस पार्क के नीचे बहुत ही सीक्रेट छुपा हुआ है। आप लोग सबसे पहले जो आपकी एंट्री होती है यहाँ से, मेन गेट है एंट्री की, तो सबसे पहले आपको मिलते हैं हमारे महात्मा गांधी जी देखने को। सबसे पहले महात्मा गांधी देखने को मिलते हैं। ये भी मतलब कुछ बनाया गया है चरखा म्यूजियम के। यहाँ पे देखो तीन बंदर गांधी जी के, जो कि बुरा ना देखो बुरा ना बोलो वाले। एंड वहाँ पर है हमारा महात्मा गांधी के द्वारा जो बनाया गया चरखा, मेन चरखा वो है। तो वहाँ नीचे के मैं आपको दिखाता हूँ महात्मा गांधी द्वारा जो चरखा बनाया गया था वो चरखा ये रहा। और यह हमारा शेर एंड ये है वो ये है वो चरखा, देख सकते हो कितना बड़ा है चरखा, साइज में बहुत ही बड़ा साइज में है, देख सकते हो। द चरखा इज, ये पढ़ लेना आप लोग अच्छे तरीके से पूछ करके वीडियो को। एंड ये है वो चरखा, एक छोटा सा यहाँ पार्क है यहाँ बाहर में। और ये है वो चरखा म्यूजियम, ये है पास में आप लोग कर्नाट प्लेस, सबसे नियर भाई पास में कर्नाट प्लेस आप लोग देख सकते हो, फेमस बहुत फेमस है कर्नाट प्लेस, आपको पता ही होगा। और ये है वो चरखा गांधी जी का। तो गाइज आई होप कि आपको लोग पसंद आया गाइज, और मैं इस चरखा म्यूजियम का लोकेशन आपको बता दूँ, तो ये है पालिका बाजार के जस्ट ऊपर कर्नाट प्लेस में, और छोटा सा म्यूजियम है लेकिन बट बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। पर्सनली मैं अपना बताता हूँ ओपिनियन, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यार ये म्यूजियम, सच्ची बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे ना यार चलता हूँ तो मुझे इतिहास के बारे में जानने, पुरानी जगहों के बारे में जानने में काफ़ी मतलब रुचि रखता हूँ मैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार। और यार मतलब यहाँ देख करके आया मैंने, देखा यार अलग अलग प्रकार की चरखा है, सारी चरखाओं का अलग अलग काम है और सबका मतलब अलग अलग था यार। और सोचो मैं 10,000 साल से पहले ये चरखाएँ मतलब बनाई गई थी, और यार मतलब इन चीज़ों को देख करके मतलब हाँ अपने को होता है कि हम एक भारतीय हैं, हमने मतलब हमारे पूरा इतिहास हमारे पूर्वज क्या करके कहते हैं चीज़ों को दिया जाता है, उस टाइम कैसा कि धागाओं की बुनाई होती थी, ये चीज़ है। और यार इतिहास को जितना जानना उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, पता है आप लोग बता कि जितने मतलब पिछले जो हमारा पुराना टाइम था उसके बारे में अगर जानोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों को, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यार अगर आप लोग देखोगे और जानोगे तो। इतिहास हमारा बहुत ज़्यादा मतलब व्यतीत करता है, हमारा इतिहास बहुत पुराने पुराने पूर्वज हमारे जो कि हमारे इतिहास को व्यतीत करते हैं और बताते हैं, तो वो लोग इतिहास जरूर देख रहे हैं एक बार। और आई होप कि आप लोगों को लोग पसंद आए, एक बार जरूर आना प्लीज़ यार, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एक बार ज़रूर आप लोग आना और यहाँ घूम करके जाना चरखा म्यूजियम। पर्सनली बता रहा हूँ 20 रुपये का टिकट है, बट यार पर्सनली ओपिनियन होता है बहुत अच्छा लगा है यहाँ, मतलब गांधी जी की यादें और भी बहुत लोगों की यादें जी यहाँ जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दिल्ली में कहीं जाते हैं अच्छा सा म्यूजियम तो एक बार जरूर यहाँ जाना चरखा म्यूजियम, जो कि कर्नाट प्लेस में है। और यार काफ़ी अच्छा लगा यार यहाँ पर देख करके ना आज, और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड में यही करता हूँ। आई होप गाइस कि आपको ब्लॉग को सब पसंद आए, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत।